मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैथलिक विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय 700 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपके दे रखा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, इस पार्ट पर आधारित आज अपना मिडिल लेक्चर पास हुआ है, जिसमें आप देखोगे रसायन के मुख्य नियम, अलग अलग प्रकार के रसायन थे उनके संयोजन के दौरान अलग अलग कंडीशन को अलग करते हैं, उन नियमों को हम विस्तार से स्टडी करेंगे। तो जैसे हर चीज के नियमानुसार काम होता है और नियम के अकॉर्डिंग ही हर कार्य संपन्न होता है, तो रसायन की बात करें रसायनों की भी, तो रसायन भी के विशेष नियम होते हैं, उसके अनुसार अपने कार्य संपन्न करते हुए देखे जाते हैं। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा रसायन संयोजन के नियम, रसायन संयोजन के नियम। इसके अंतर्गत मुख्यतः चार पांच नियम दे रखे हैं, उसको आप विस्तार से लिख लोगे। द्रव्य अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम और गैसीय आयतन का नियम या गैसुले का नियम। देखिए रसायन रसायन संयोजन के मुख्य नियम रसायन संयोजन के मुख्य नियम तो आपके सिलेबस में दे रखे चार पांच नियम है, उनको एक एक को अपने विस्तार से स्टडी करेंगे। फर्स्ट नियम क्या है? द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा आ जाएगा आपके विक्रम अनुपात का नियम। विक्रम या जिसको अपन बोलते हैं तुल्य अनुपात। और पांचवा नियम दे रखा है वो आपके किसका है? गैसीय आयतन का नियम। यानी से या जिसको बोलते हैं अपन गैसीय आयतन का नियम। ये पांच नियम इंपॉर्टेंट नियम है जो रसायन विज्ञान की मूलभूत नियम के रूप में कार्य करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, तो एक एक नियम को अपन विस्तार से स्टडी करेंगे, समझेंगे और ये इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पर आधारित आपके मिलता रहता है। या तो नियम डायरेक्ट पूछते हैं इस अभिक्रिया में कौन से नियम की अनुपालना गई, या गुणित अनुपात के नियम को अनुपालन करने वाले निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है या किसने प्रतिपादित किया, या कभी एक बार आपके एंट्री बेस पे डायरेक्ट आप जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगी गुणित अनुपात का नियम क्या है या स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो आपके 11th 12th बेस पर आधारित कई प्रकार के बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में इंटरव्यू बेस पे आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी डायरेक्ट की विशेष भूमिका रहती है। और इसके अतिरिक्त आपके जो ये लोकल एग्जाम बोर्ड वाले एग्जाम जो RBSA पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके द्विवार्षिक वार्षिक के पेपर प्रिंटेड होते हैं, उसमें फिक्स है कि एक दो क्वेश्चन इस पे आधारित मेंशन होना अनिवार्य है। तो देखिए
एक एक चीज को अपन विस्तार से समझेंगे, स्टडी करेंगे। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट हो आप क्लियर करें, किसी भी प्रकार का शांतिपूर्ण डिस्टर्बेंस न होते हुए आराम से विधि इसकी स्टडी करें। देखिए फर्स्ट नेम क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, किसने प्रतिपादित किया, किस प्रकार से ये अनुपालना हो रही है नहीं हो रही, तो कई प्रकार के तीन चार उदाहरण के माध्यम से आपको उसका प्रश्न समझा के आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो देखिए तो ये मुख्य नियम है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में द्रव्यमान नियम संरक्षण वाले को अपने विस्तार से स्टडी कर रहे। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है या इसका प्रतिपादन करने का काम किसने किया, तो आप व्यवस्थित से समझ दें तो समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि द्रव्यमान का संरक्षण होना मतलब अभिक्रिया के दौरान ने तो आपके द्रव्यमान नष्ट होता है नहीं उत्पन्न होता है, जो द्रव्यमान है वो स्थिर बना रहता है। अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर बना रहता है, उसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन करने का काम किया था लेवोइसिस ने, लेवोइसिस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने इस नियम को प्रतिपादित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। दिमाग बात रहेगी तो देखिए नियम क्या है, तो परिभाषा क्या बताऊंगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जाता है, नष्ट केवल क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, केवल क्रियाकारक इसमें कन्वर्ट होता है, उत्पाद में कन्वर्ट होता हुआ देखा जाता है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता हुआ बताया गया है। अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित बना रहेगा। एग्जाम्पल के बेस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अलग अलग प्रकार का, जैसे कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, और अभिक्रिया करके आपने क्या बनाना है, जल का अणु बनाना है, क्या बनाना है, जल बनाना है H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के अणु एक है परंतु परमाणु अभिक्रिया में कितने भाग ले रहे, दो। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु अभिक्रिया के दौरान कितना पार्टिसिपेट हो रहा है, आधा अणु, तो या तो इसको 1/2 बनाओ या फिर इसे डबल कर दीजिए। अब अभिक्रिया के दौरान देखोगे दोनों साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या देखे तो दोनों क्या रहेगी आपके स्थिर रहेगी, देखिए परमाणु क्या होगी, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, दो, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, एक, ये तो एक था अणु, ये क्या एक अणु है और ये भी एक अणु है परंतु एक को अपने क्या कर दिया, एक बटा आधा कर दिया, तब एक परमाणु उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। और इधर देखते हैं ये आपके क्या है क्रियाकारक और इधर देखते हैं उत्पाद में, तो उत्पाद में भी वो कुछ संख्या देखने मिलेगी, परमाणु की संख्या देखे ना, हाइड्रोजन के कितने परमाणु काम आ रहे हैं, दो, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, एक, तो दोनों साइड में आपके परमाणु की संख्या क्या है, समान। अब द्रव्यमान के अकॉर्डिंग देखना है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान की अपन बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.008, लगभग अपन मान सकते हैं कि कितना एक, तो हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा, द्रव्यमान एक होगी, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु काम आ रहे, दो परमाणु, कितने परमाणु काम आ रहे, दो, तो एक को दो से गुणा करोगे कितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा, दो, प्लस ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16, ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान हमेशा आपको पता है द्रव्यमान आप निकालते हैं परमाणु का द्रव्यमान
निकालने क्या प्रोसेस है, परमाणु का द्रव्यमान। आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है द्रव्यमान के रूप में कंसीडर किया जाता है। जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन की संख्या लगभग मैक्सिमम केस में देखने को मिलती है, परंतु कई एक्सेप्शन केस होते हैं वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। मैक्सिमम कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने उतने न्यूट्रॉन होते हैं। पर पूरा और पार्टिकल होता है पूरा परमाणु होता है वो क्या था उदासीन अवस्था में एडजस्ट करता हुआ देखा जाता है। ऑब्वियसली आप देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना 16, यो कितना बनेगा 18। अब इधर भी देखोगे तो भी वो क्यों सेम कंडीशन, दो प्लस 16 तो यहां पे भी 18। दोनों साइड में आप देखते हैं दोनों साइड में अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में भी दोनों साइड में द्रव्यमान क्या है आपके स्थिर है। ऑनली फॉर क्रिया कारक किसमें कम होता है उत्पाद में, अभिक्रिया के दौरान नहीं तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है द्रव्य को और नहीं अपन नष्ट करते हैं। ऑनली फॉर एक्सचेंज होते हुए देखे जाते हैं। तो दिमाग बात नहीं कि एक उदाहरण मैंने समझाया, ऐसे दो तीन उदाहरण को लेते हैं ताकि आपके दिमाग में मैटर क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो दिमाग बात नहीं कि अभिक्रिया के दौरान नहीं तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है स्थिर बना हुआ देखा जाता है। तो ये फर्स्ट उदाहरण आपको आइडेंटिफाई करवाया। अब सेकंड उदाहरण देखिए हो गया होगा आप टेस्ट का सर एक बार ले सकते हैं पूरे मैटर का। एग्जांपल सेकंड क्या ले रखा है आपके, आप सिल्वर नाइट्रेट लेते हो और सिल्वर नाइट्रेट के बिक्रिया किसके साथ कराते हैं NaCl के साथ, और अभिक्रिया के दौरान कंपाउंड का द्रव्यमान क्या रहता है स्थिर बना हुआ देखा जाता है। इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का काम किया था लॉर्ड कार्ल ने। लॉर्ड कार्ल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करके बताया कि अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहता है स्थिर बना हुआ देखा जाता है। तो उसने क्या किया एक वी आकार की एक प्रक्रिया ली, उसके आगे दो फलक होते हैं इस प्रकार की, क्या ली उन्होंने टेस्ट ट्यूब ली। अब इनमें दोनों सिरों में क्या बनते हैं, एक में सिल्वर नाइट्रेट भरा और एक में क्या भरा NaCl भरा। एक में भर रखा उसने NaCl और दूसरे पार्ट में भर रखा उसने क्या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। फिर उन्होंने देखा यहाँ से पकड़ के पूरे मिश्रण को इंटरमिक्स किया, दोनों पलक में अलग अलग सोल्यूशन भरने के बाद में दोनों सोल्यूशन क्या करता है इंटरमिक्स करता है। और इंटरमिक्स करने के बाद में उन्होंने देखा कि पहले अलग अलग भरने के बाद उस प्रक्रिया को वेट किया और फिर बाद में दोनों को इंटरमिक्स करने के बाद में वेट किया, तो वेट करने पर दोनों का द्रव्यमान क्या मिला आपके स्थिर मिला। जितना इसका भार था उतना उतना अभिक्रिया के दौरान में भार देखा गया। तो अभिक्रिया क्या थी NaCl एक में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, देन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में नमक की अभिक्रिया करवाई जाती है, तब आपको क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट कंपाउंड जनरेट हो जाता है, ये देखा गया। और इसके साथ में क्या हो जाते हैं सफेद अवक्षेप, सिल्वर क्लोराइड की वजह से सफेद अवक्षेप परत में देख जाते हैं और कंसिडर देखने को मिला कि अभिक्रिया के दौरान नहीं तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है नहीं नष्ट होता है, ओनली फॉर संयोजन होता है क्रिया कारक उत्पाद में बदलता हुआ देखा जाता है। बाकी आप परमाणु की संख्या के अकॉर्डिंग देखो साथ द्रव्यमान की संख्या के अकॉर्डिंग देखो, ये है आपके दोनों क्रिया कारक और इधर के साइड में ये बन रहा है आपके क्या उत्पाद, ये दोनों क्या बने आपके उत्पाद। अब देखिए परमाणु की बात करें परमाणु की संख्या, तो यहाँ पे सोडियम के कितने पार्टिकल है एक, क्लोरीन का एक, सिल्वर का
A नाइट्रेट का A, सभी के एक-एक पार्टिकल टोटल कितने परमाणु पार्टिकल हो रहे हैं? चार। और इधर भी देखोगे तो सेम टू सेम परमाणु की संख्या आएगी। देखिए सोडियम A, सिल्वर A, क्लोराइड A, नाइट्रेट A, तो यहाँ पे भी परमाणु की संख्या कितनी मिलती है? चार। तो अभिक्रिया के दौरान मौलिक वर्ग क्रिया कारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो आपके कंपाउंड एक्स्ट्रा को उत्पन्न होता है और नहीं नष्ट होता है, केवल एक्सचेंज होते हुए देखे जाते हैं। अभिक्रिया के दौरान नहीं तो द्रव को उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। मौलिक वर्ग इंटरमिक्सिंग होते हैं, ओके, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जनरेट होते हुए देखे जाते हैं। दिमाग बात रहेगी तो ये था फर्स्ट आपके द्रव्यमान सिखाने। अब सेकंड नियम को अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए सेकंड नियम क्या बताता है कि स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब कोई भी कंपाउंड है वो इस प्रकार से अपना अनुपात स्थिर रखता है। इस नियम को प्रतिपादित करने का कार्य किया था प्रॉस ने, प्रॉस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इस तरह अनुपात का नियम दिया। मगर उसने शर्त क्या बताई कि किसी शुद्ध यौगिक, क्या बताया, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों का द्रव्यमान, किसी शुद्ध यौगिक के नमूनों में तत्वों का द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, स्थिर रहता है, शायद वह यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, शायद किसी भी मेथड से यौगिक बनाओ या कहीं से भी आपने प्राप्त किया हो, परंतु उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या रहेगी, आपके कॉमन बनी हुई देखी जाती है। जैसे अपने एग्जाम्पल बेस पे बात करें, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, कार्बन आपने यौगिक ले रखा है, ऑक्सीजन के साथ में उसका दहन करवाते हैं, तो दहन करवाने से क्या बनेगा, आपके CO2 बनती है, क्या बनी है, आपके CO2 गैस बनती है, जो ये आपके CO2 एक शुद्ध अवस्था में। अब CO2 का जो एक बार द्रव्यमान आपके मिल रहा है, अब उस अलग अलग कंडीशन में आप कोई भी विधि से बनाओ CO2, उसमें आपके इसका अनुपात क्या देखा जाएगा, इससे देखें इसका द्रव्यमान कितना हो रहा है। आप जानते हैं कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात रेशियो देखें तो कितने कितने पार्टिकल्स में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कार्बन का एक परमाणु अणु और ऑक्सीजन का भी कितना है, एक अणु, तो एक अनुपात एक में रेशियो कंबाइंड हो रहे हैं, तो एक अनुपात एक। या द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों का एक, तो कार्बन का द्रव्यमान का कितना 12 प्लस एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन परमाणु काम आ रहे हैं 2, तो 2 इंटू कर दो 16, 2 इंटू 16 बराबर टोटल योग करोगे तो कितना मिलेगा 32, 32 के साथ में 12 जोड़ोगे 44, कितना मिला 44। अब ये CO2 का द्रव्यमान आपके 44 से मिलेगा, शायद किसी भी मेथड से अलग अलग तरीके से बनाओ, परंतु होना चाहिए शुद्ध नमूना CO2, ये ध्यान रहे। सेकंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि मान लो मैथेन आपने ले रखी है, क्या ले रखी है, मैथेन, मैथेन का दहन करवाते हैं, जलाते हैं मैथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैथेन को आप जलाते हैं, तब आप क्या बनेगी, हमेशा दहन करवाने पर कोई भी यौगिक कार्बनिक यौगिक को जलाने पर क्या बनता है, CO2 प्लस जल मुक्त होता हुआ देखा जाएगा। अब इस विधि के मेथड के अकॉर्डिंग भी आपकी CO2 बनी और इसमें कोई क्या चेंजेस होगा, कभी चेंजेस नहीं होगा, किसी भी यौगिक से बनाओ परंतु उसका मेथड क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बेस पे सही होना चाहिए। देखिए इसमें आप देखना आपको अणुओं की संख्या को अरेंजमेंट करना, तो देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन का हमारे 2 और 1 3 और यहाँ पे कितने वाले पर 2 ही है, तो फिर ऑक्सीजन के पूरे परमाणु को सेटिस्फाइड करने के लिए अपन कितने अणु बनाने, यहाँ पे आइटम कितने
चार आइटम थे और यहाँ पे दो ही काम आए, तो क्या करेंगे 200 गुना। अब कितने आइटम हो गए, आइटम भी हो गए आपके कितने चार और ऑप्शन हो गए चार, तो यहाँ पे दो ऑप्शन प्रमाण हो जाएंगे। तो ये अपने गैप ओपन ने सेटिस्फाइड किया। अब CO2 स्लैग किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग आप बनाओ, परंतु CO2 का जो द्रव्यमान रहता है वो हमेशा स्थिर बना हुआ देखा जाता है इस मेथड के अकॉर्डिंग देखा। अब सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या पत्थर है, अब उसको भी जलाओ, उसको आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पे भी क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इस मेथड से बनाओ CO2, इस मेथड से बनाओ साइस मेथड से बनाओ, किसी भी मेथड से CO2 गैस को आप जनरेट करोगे तो उस दौरान आप देखोगे तो CO2 का जो द्रव्यमान का अनुपात मिलता है वो हमेशा क्या देखा जाएगा, स्थिर अनुपात के रूप में कंसीडर करता हुआ पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करें, देखिए द्रव्यमान की बात करनी है तो द्रव्यमान की बात, कार्बन का द्रव्यमान कितना 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 32, अनुपात क्या मिलेगा आपको रेशियो के अकॉर्डिंग किससे कट होगा, चार से, चार के बाद इसमें कितनी बार जाना, तीन बार और इसमें रहेगा 8 बार, 3:8, ये द्रव्यमान का अनुपात स्थिर 3:8, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, सभी में द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा स्थिर बना हुआ देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्यमान इसमें भी 44, इसमें भी 44 और इसमें भी 44, शायद आप CO2 किसी भी मेथड से बना सकते हो, 2, 3, 4 जितने भी मेथड आप यूज करोगे उस दौरान सभी के दौरान आपके CO2 का द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा स्थिर अनुपात देखा जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अलग अलग नेम्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग रसायन विज्ञान संयोजन में अलग अलग की अलग अलग भूमिका रहती है और अलग अलग नियमों के अनुसार रसायन संयोजन करते हैं और सारे सारे अलग अलग प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। तो दो नियमों को अपने आज व्यवस्थित रूप से स्थिति किया समझा और विधिवत रूप से आपको जो मैटर ऑब्टेन करवाया है उसको व्यवस्थित रूप से समझे और अगले जो नियम दर्ज है उनको अपने अगले वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे। तो ये था आज का आपके वीडियो लेक्चर, रसायन संयोजन के नियम पर आधारित 5 नियम दर्ज है, उसमें से 2 नियमों को अपने व्यवस्थित रूप से स्टडी की दिमाग बात रहेगी। आगे देखोगे आप कि डायरेक्ट आपके एक तो गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अनुपात का नियम और गैसों के आयतन का नियम, तीन नियम पीछे रह रहे उनको भी अपन विधिवत अध्ययन करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंत्री यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।